नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लेजेस्ट सिरप का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, लेजेस्ट सिरप को कैसे लेना चाहिए और लेजेस्ट सिरप की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि लेजेस्ट सिरप को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। लेजेस्ट एक ब्रांड नेम है। लेजेस्ट सिरप के अंदर सॉल्ट कम्पोजिशन लिवोसेट्रिजीन होता है। लिवोसेट्रिजीन एक एंटीहिस्टामिन ड्रग क्लास की दवा है, जिसका उपयोग सर्दी, जुखाम, नजला और एलर्जी के लक्षणों से राहत पाने के लिए किया जाता है। सर्दी, जुखाम, एलर्जी या नजला के लक्षण जैसे नाक से पानी बहना, नाक का बंद होना, आंखों से पानी आना, आंख, नाक या गले में खुजली होना, छींक आना और शरीर पर कहीं खुजली होने पर आदि लक्षणों से राहत पाने के लिए लेजेस्ट सिरप का उपयोग किया जाता है। डॉक्टर, क्रोनिक अर्टिकेरिया होने पर यानी त्वचा पर पुरानी खुजली की समस्या होने पर, त्वचा पर एलर्जी होने पर और त्वचा पर रैशेस होने पर भी लेजेस्ट सिरप को लेने की सलाह दे सकता है। मधुमक्खी या किसी अन्य कम जहरीले जानवर के काटने की वजह से हुई त्वचा पर रैशेस, सूजन और खुजली को ठीक करने के लिए भी डॉक्टर लेजेस्ट सिरप को लेने की सलाह दे सकता है। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर बच्चों में लेजेस्ट सिरप की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट बच्चों में लेजेस्ट सिरप की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे मुंह में सूखापन होना, सिरदर्द होना, शरीर में थकान व सुस्ती होना, नींद अधिक आना, नाक से खून आना, गले में खराश होना, दस्त होना, कब्ज होना और उल्टी आने का मन होना आदि साइड इफेक्ट्स लेजेस्ट सिरप की वजह से हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि लेजेस्ट सिरप को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। लेजेस्ट सिरप को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। आमतौर पर 2 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चों को डॉक्टर 2.5 मिलीलीटर लेजेस्ट सिरप को दिन में एक ही बार और शाम के समय लेने की सलाह देते हैं, और 6 साल से लेकर 11 साल तक के बच्चों को डॉक्टर 5 मिलीलीटर लेजेस्ट सिरप को दिन में एक ही बार और शाम के समय लेने की सलाह देते हैं, और 12 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों को डॉक्टर 10 मिलीलीटर लेजेस्ट सिरप को दिन में एक ही बार और शाम के समय लेने की सलाह देते हैं। लेजेस्ट सिरप की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको लेजेस्ट सिरप को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अब हम डिस्कस करेंगे कि लेजेस्ट सिरप को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। 2 साल से कम उम्र के बच्चों को लेजेस्ट सिरप को देना रिकमेंडेड नहीं होता है, इसलिए 2 साल से कम उम्र के बच्चों को लेजेस्ट सिरप को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं देना चाहिए। वैसे ज्यादातर बच्चों में लेजेस्ट सिरप को लेने के बाद ज्यादा नींद नहीं आती है, लेकिन कुछ बच्चों को लेजेस्ट सिरप को लेने के बाद नींद अधिक आ सकती है। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका लेजेस्ट सिरप से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।